क्या चीन 2027 तक ताइवान पर कब्जा कर लेगा और क्यों जापान ने शुरू कर दी है दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी जंगी तैयारी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूके की होम मिनिस्टर को बहुत महंगा पड़ा भारत पर बयान देना। जानेंगे रातों रात कैसे खेल हो गया और कैसे वो बाहर हो गई हैं। दुनिया की राजनीति में बहुत बदलाव आ रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त चीन में CCP पार्टी की कांग्रेस शुरू हो गई है। कांग्रेस का मतलब ये समझ लीजिए कि एक तरह से मीटिंग शुरू हो गई है और इस मीटिंग में चुनाव होगा सी जिनपिंग का। सी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसका पूरा पूरा ख्याल रख रहा है जिनपिंग। राष्ट्रपति सी जिनपिंग इसके लिए लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को भर रहे हैं और ये देखा गया कि जब ये मीटिंग चल रही थी, इस मीटिंग में देशभक्ति की भावना भरने के लिए गलवान वाले वीडियो को चला दिया गया और ये दिखलाया गया कि देखो हमारे आसपास समस्याएं हैं, हम लड़ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं रहा बल्कि यहाँ पर जिनपिंग ने अपने भाषण में इस बात को कह भी दिया कि हम ताइवान को मिलाकर रहेंगे। जब ताइवान की बात आती है ना तो आसपास के कई देशों के कान खड़े हो जाते हैं। एक तो अमेरिका का कान खड़ा होता है, वो अपने फायदे के लिए होता है, लेकिन जापान का कान सबसे पहले खड़ा हो जाता है। जापान इसलिए इस मामले पे बहुत ज्यादा नजर बनाकर रखता है क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है ताइवान हड़पने के बाद चीन किसी और देश की तरफ आगे बढ़ेगा, वो जापान हो सकता है, भारत हो सकता है, और भी कई देश हैं जिसके साथ उसकी समस्याएं हैं, फिलीपींस है, दक्षिण चीन सागर में कई ऐसे छोटे बड़े देश हैं। चीन, जापान और ताइवान के लिए अब 2027 एक बहुत इम्पोर्टेंट डेडलाइन बन गया है और ऐसा नहीं है कि जापान ने हाथ पर हाथ धर रखा है। पहले तो आपको याद दिला दें, जब यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी ना, तब अमेरिका का मनोभाव जापान को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या साथ देने के लिए आएगा अमेरिका या नहीं आएगा। इस पर जापान ने सीधा सीधा सवाल कर लिया था अमेरिका से कि आप हमें बताओ कि आप यूक्रेन युद्ध में मदद करने आओगे या नहीं आओगे, क्योंकि ऐसा ही कुछ आप यहाँ पर भी कर सकते हो जब दक्षिण चीन सागर में ताइवान का मामला आएगा। हालांकि बाद में बहुत सारी चीजें बदल गई, बाइडेन ने ये कह दिया कि हम ताइवान की रक्षा के लिए आएंगे, यूक्रेन युद्ध में हथियार भेजने शुरू कर दिए। लेकिन कहा जा रहा है कि जिनपिंग ने अब अपना टारगेट डेट रखा है 2027, यानी 2027 के अंदर वो ताइवान को अपने में मिला लेगा। और इस बात की पुष्टि अमेरिकी नौसेना के इंडो पैसिफिक कमांडर एडमिरल फिलिप डेविडसन ने किया था और उन्होंने कहा था कि चीन का खतरा 2027 में कई गुना बढ़ जाएगा और ताइवान का चीन के कंट्रोल में जाना जापान के लिए विनाशकारी होगा क्योंकि जापान का समुद्री मार्ग भी संकट में पड़ जाएगा, क्योंकि जिस रास्ते से ये जो ताइवान स्ट्रेट वगैरह है, इस रास्ते से जापान अपना पूरा तेल मंगाता है, इस तेल को ही ब्लॉक कर सकता है चीन। यानी कि सिर्फ तेल ही नहीं, कई मटेरियल भी समुद्री रास्ते से जापान तक पहुंचते हैं। ताइवान पर कब्जा होने से चीन की नौसेना को ताइवान के पूरे पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के ठिकानों पर कब्जा हो जाएगा और इसका मतलब ये हो गया कि 2027 दुनिया के साथ साथ जापान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बात को अब अमेरिका ने भी कहा है कि बहुत तेजी से कब्जा करना चाहता है। जापान और ताइवान की दूरी मानेंगे तो मात्र 150 किलोमीटर ही है। अब ये सब देखते हुए 77 साल में जो नहीं किया था जापान ने, वो करना शुरू कर दिया है। जापान ने बारूद जुटाना शुरू कर दिया है चीन के खिलाफ, क्योंकि उसे पता है चीन किसी न किसी रूप में सामने जरूर आएगा। खैर, जहाँ इस मिशन को लेकर चर्चा चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आई है और ये खबर यूके से निकल कर आई है। कहते हैं ना, बानी ऐसी बोलिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। ऐसा लगता है जैसे ये जो सरकार आई थी, जितने शानदार तरीके से एकदम से जल्दी जल्दी में आई थी, वैसे ही धूमधाम से इसके जाने का समय भी बन रहा है। एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे हैं।
वैसे आपको बता दें, इस वक्त महंगाई एकदम से चरम पर पहुंच गई है यूके में, और महंगाई के साथ साथ उथल पुथल भी मच चुकी है। सबसे पहले तो लीज ट्रस ने अपने वित्त मंत्री को निकाला, और वित्त मंत्री के निकलने का दुख किसी को नहीं है, बल्कि उस जगह पे कौन बैठा है वो मायने कर रहा है। जो बैठे हैं वो सुनक के करीबी माने जाते हैं। अब ये जो मैडम देख रहे हैं आप, ये मैडम सुएला ब्रेबरमैन, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भारत के खिलाफ एक बयान दे दिया था, भारत के जो लोग वहाँ जाते हैं उनके खिलाफ, कि वीजा खत्म हो जाता है फिर भी रुके रहते हैं, यहाँ तक कि व्यापार जो डील हो रही थी उसमें भी इन्होंने कहा कि अगर इस तरीके के डील होंगे तो फिर दिक्कत होगी और यहाँ और भी भारतीय आकर रुकने लगेंगे और ये अच्छा नहीं है। ब्रेबरमैन ने एक ऐसे देश के बारे में ये बातें कही जो इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में एक काफी बड़ी जगह रख रहा है और दुनिया उसकी बात सुन रही है, पर बड़बोलेपन में बिना सोचे समझे इन्होंने इस बात को कह दिया। हालांकि इस बात को मेकअप करने की कोशिश भी किया सुएला ब्रेबरमैन ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत हो जाए, हमारी पार्टनरशिप और भी ज्यादा मजबूत हो जाए, हम चाहते हैं कि इंडिया और यूके का ट्रेड डील बने। बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन्होंने इस बात को ट्वीट भी किया कि हम सब कुछ अच्छा चाह रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है खास तौर पर जो भारत की मिठाइयां हैं, लेकिन ये मीठे मीठे बोल लगता है जैसे कि काम नहीं आए। इसीलिए कहा जाता है बोलने से पहले 100 बार सोचो। अब अचानक से इस उथल पुथल के बीच में ये खबर निकल कर आ रही है कि इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब ऐसा क्या कर दिया इन्होंने जिसकी वजह से इस्तीफा देना पड़ा? तो आपको बता दें, पीएम और सुएला ब्रेबरमैन गृह मंत्री, इन दोनों के बीच में ही झगड़ा शुरू हो गया। बात सही थी, लीज ट्रस ने गलती की कि जनता से ये कह दिया हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, और वो सारी चीजें बैकफायर करती चली गई। तो वहीं ब्रेबरमैन ने भारत से ही पंगा ले लिया, दोनों एक दूसरे को दोष देने लगी। ब्रेबरमैन पर ये आरोप लगा कि कोई गोपनीय सरकारी दस्तावेज था जो अभी पब्लिश होना था, लेकिन पब्लिश होने से पहले ही इन्होंने ईमेल के जरिए अपने एक साथी सांसद को भेज दिया, जो बहुत गलत था। अब हुआ ये है कि बर्खास्त किया गया है, कहा जा रहा है ब्रेबरमैन को, और ये लीज ट्रस्ट ने किया। और ब्रेबरमैन ये कहती है कि मुझे सत्ता की टेंशन हो रही है, हमने मतदाताओं से जो वादे किए थे वो वादे तोड़ दिए। यानी दोनों लड़ पड़ी हैं अपने इस्तीफा के दौरान ही। सुएला मात्र 43 दिनों के लिए ब्रिटेन की गृह मंत्री रही, इन्होंने रिकॉर्ड जरूर बनाया, सबसे छोटे कार्यकाल वाली गृह मंत्री बनी है। और आपको बता दें, कंजर्वेटिव पार्टी इससे खुश है जो इन्होंने इस्तीफा दिया है। यहाँ तक कि कंजर्वेटिव पार्टी ये कह रही है कि जैसे इन्होंने इस्तीफा दिया है, जल्द ही लीज ट्रस्ट सरकार को भी देनी पड़ेगी। वैसे आपको क्या लगता है, यूके की इस गृह मंत्री के बयान के बाद माहौल खराब हो गया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।